हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज अप्रैल की 4 तारीख है। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूंगी आज से, तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग स्टार्ट ग्रीन टी से, और आज हम स्मॉल इडली बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बनती है। और हम दोपहर में बनाएंगे आज सांभर वड़ा, और हैंग कर्ड होता है तो उसको श्रीखंड बोलते हैं, और श्रीखंड बनाऊंगी दोपहर के खाने में, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलिए मैं जब तक अपना ग्रीन टी फिनिश करती हूँ। ओके, ग्रीन टी हमने पी ली है, और ये स्मॉल इडली का बैटर है। इसमें दही है और सूजी है, इसे इतना थिक करते हैं। दही मतलब ऐसा ज़्यादा गाढ़ा दही नहीं होता, थोड़ा पतला दही होता है, और सूजी ऐसा बैटर से रेडी करते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। मैं इसमें नमक डालती हूँ और धनिया छोटा छोटा चॉप करके, हरा धनिया, और थोड़ा सा खाना सोडा डाल लेते हैं, जिससे स्मॉल जो इडली बनेगी ना वो थोड़ी फूल जाएंगी। स्मॉल इडली का स्टैंड है, इसमें इडली भर के और स्टीम करने के लिए रख देंगे। मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है, ये 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएंगी, इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये फ्रेंड, ये फ्राइड इडली बन गई है। अब इनको ठंडा कर लेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे प्याज टमाटर के साथ। देखिए, ये इडली फ्राई करूँगी अभी मैं। इसमें मैंने ऑयल और राई डाल दी है। इसमें मैं प्याज टमाटर नहीं डाली, क्योंकि हमारे ससुर जी प्याज टमाटर वाली खाते नहीं है। फ्रेंड देखिए, फ्राइड इडली रेडी है। अब हमें हरी चटनी या मीठे सॉस के साथ खाएंगे। फ्रेंड्स, ये प्राची है और ये रुचि है। रुचि, गुड मॉर्निंग बोलो। ये हमारे घर के पीछे रहती हैं, मैंने इन्हें फ्राइड इडली खाने के लिए घर पर बुलाया है। चलो फटाफट से बताओ खा के कैसी बनी है। चलो, मैं इन्हें 4-5 दिन से डेली पढ़ाती हुई हूँ। कल तो मैंने इन्हें 3 घंटे पढ़ाया था। अच्छी बनी है। तो ये प्राची है भी, ये रुचि अभी ना के नहीं आई थी, पता है, जल्दी से खाने के लिए ना के आई है। फ्रेंड देखिए, हमने सांभर की तैयारी कर ली है। दाल भिगो दी है, इमली भिगो दी है, लौकी, कासी फल, और सब कुछ काट पीट के रख लिया है। हमारी मेड सी में काट के गई है सब कुछ। अब पानी बॉइल करने रख दिया है, फटाफट से सब कुछ तैयार होने के बाद दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रेंड्स, जब तक मैं अपना सांभर और बड़ा तैयार करूँगी, दूसरी साइड मैंने प्राची और उसको पढ़ने भी बिठा दिया है, क्योंकि मैं 1 घंटा इन्हें सुबह पढ़ाऊँगी और 2 घंटे शाम को। चलो प्राची, उधर ज़मीन पे बैठ जाओ बेटा, चटाई बिछा के और चौकी रख लो। चलो मैं अपना काम भी करती जाऊँगी और इनको पढ़ा भी दूँगी, क्योंकि ज़्यादा घंटे पढ़ती हैं ना ये, तो फिर बोर हो जाती है। शाम को भी पढ़ाऊँगी इनको। चलो दोनों काम साथ साथ कर लें। देखिए फ्रेंड्स, ये बन रही है सांभर बड़ा। देखिए ये सांभर बड़ा, ये बड़ा है और ये सांभर रेडी करके रख दिया मैंने। अभी श्रीखंड और बनाना है, उसके लिए मैंने दही को हैंग करके रख दिया है, उसमें और मीठा मिला के फिर उसको भी रेडी कर दूंगी। ये बड़ा फूले फूले पड़े हैं। हेलो गाइस, शाम हो रही है और मेकअप स्टार्ट हो गया है, पार्टी मेकअप है। दीदी के यहाँ पे देवी जागरण हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, तो दीदी अपना मेकअप कराने आई हैं, तो इनका पार्टी मेकअप चल रहा है। अभी हमारा पार्टी मेकअप हो जाएगा तो हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेंगे, तो आप जरूर देखना।
देखिए फ्रेंड, ये है हमारा श्रीखंड। मैंने बताया था कि मैं श्रीखंड बनाऊंगी, तो मैं ये बना के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख गई थी। ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये है बड़ा, सावर बड़ा, ये देखिए। मतलब ये बड़ा है, सावर तो मैंने आपको बताई दी थी। एकदम बढ़िया बना के रेडी कर दिया है। अब बस खाना खा के सो जाएंगे।